प्रदेश में बुजुर्गों की सेवा और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा अब घर द्वार पर ही मिलेगी। इसके लिए श्री सत्य साई सेवा संगठन छात्राओं को प्रशिक्षित करेगा ताकि वे बुजुर्गों का इलाज कर पाए। संगठन की ओर से कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ये पहल की गई है। 16 छात्राओं के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में बेड साइड असिस्टेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज साई शरणम मंदिर शिव विहार रामनगर धर्मशाला में श्री सत्य साई सेवा संगठन के कांगड़ा जिला अध्यक्ष शेष भूषण और राज्य समन्वयक चिकित्सा डॉक्टर वीरेंद्र गुलेरिया ने इस 5 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेष भूषण ने कहा कि देखा जा रहा है कि आज के समय में युवा पीढ़ी कामकाज के चलते घरों से बाहर रहती है और बुजुर्ग बीमार माता पिता की देखभाल करने के लिए और बीमारी में इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाला भी कोई नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में बेडसाइड असिस्टेंट की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए संगठन ने यह निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू किया जाने वाला अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है वो हमने उन बच्चों के लिए रखा है जो निर्धन परिवार से है, जिनको जरूरत है, बेड साइड असिस्टेंट का नाम है। सरकार से इसकी बकायदा हमने अनुमति ले रखी है। जो हॉस्पिटल वहाँ पे ये कार्यक्रम होगा और ये 5 महीने का कोर्स होगा जिसमें बच्चों को पूरा हम शिक्षित करेंगे। इस बात के लिए बगल में हमारे डॉक्टर लोग खड़े हैं जो सारे काम को चलाना है, क्योंकि हिमाचल का अब जो परिवेश है वो बदल रहा है। गांव के बीच में, शहरों के बीच में अब लोगों को जो वृद्धावस्था में होते लोगों को सहायता के लिए थोड़ा सा लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि परिवार की घर टूट रही है। तो उसी चीज को मद्दे रखते हुए हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हम एक ऐसी अच्छी बढ़िया टीम तैयार करेंगे बच्चों की, जिनको आगे जाके एक तो उनका आय का साधन भी बनेगा, साथ में वो अपने स्वास्थ्य विभाग के काम के बीच में अपने आप में सक्षम भी हो जाएंगे और अच्छा रहेगा। इस काम को लगातार चलाना है। इन बच्चों को कोई फीस नहीं ले रहे हैं, इनको अपने पास रखेंगे, यही बच्चे हमारे पास रहेंगे और अपना काम करेंगे।